नमस्कार, आप देख रहे दैनिक आदमी 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, लगातार आपने देखा कि सीनियर डिप्टी कलेक्टर मैडम, साथ ही साथ तमाम औषधि निरीक्षक, ड्रग कंट्रोलर वगैरह, तमाम मेडिकल टीम तमाम दुकानों की जांच कर रहे हैं। हमेशा से आज भी औषधि निरीक्षक के शर्मा ने कहा कि ग्राहक को बिल लेना चाहिए, दुकानदार अगर बिल देने में आनाकानी करते तो हमारे कार्यालय में आकर शिकायत कर सकते हैं। देखिए, बिल लेने का मतलब है कि सरकार को रिवेन्यू भी जाएगा और आपको जो दवाइयाँ मिले वो अच्छी दवाइयाँ मिल सकती, उसमें नकली दवाई की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। लगातार आज भी ड्रग इंस्पेक्टर ने कहा कि हम तमाम दुकानों को इसलिए देख रहे हैं ताकि जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, जो कोरोना काल से संबंधित दवाइयाँ, कोरोना से संबंधित दवाइयाँ, वो सारी दवाइयाँ काउंटर पर अवेलेबल हैं या नहीं। हालांकि आज एक अच्छी बात है, हम लोगों ने लगातार पॉजिटिव भी खबरें चलाई थी, तमाम आज झाझा की दुकानें खुली हुई। देखिए, दुकान बंद करने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। यदि आप दुकान खोलेंगे, दुकान तभी बंद करके भाग सकते हैं जब आपके अंदर कोई कमी हो। जब आपके अंदर कोई कमी नहीं, फिर आपको दुकान बंद करने से कोई फायदा नहीं। आपको याद होगा, सिकंदरा में भी मेडिकल टीम ने जब रेड किया था, वहाँ साफ आदेश दिया गया था कि अगर आपकी दुकानें बंद रहेगी तो आपकी दुकान को सील कर दी जाएगी। शायद इस शक्ति का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है कि तमाम दुकानें आज खुली हुई हैं और औषधि निरीक्षक तमाम दुकानदारों को बार बार उनका बिल चेक कर रहे हैं, उनका स्टॉक चेक कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गुणवत्तापूर्ण दवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज तो देखिए सभी रोड सभी खुले हुए हैं। ये होता है लोगों में, अब पता नहीं क्यों एक भय का वातावरण क्यों आता है। ये टीम देख कर के, टीम में पुलिस दल भी साथ में है, तो उनको लगता है कि कुछ ज़्यादा बड़ा कार्रवाई होने वाला है हर छोटी सी चीज़ के लिए। लेकिन ये संशय को मिटाएं, लोगों को दवा देने के लिए दुकान खोले ताकि लोगों को भटकना ना पड़े। इस टीम के आने का मुख्य उद्देश्य ये है। प्रशासन का सख्ती भी रंग ला रहा है सर, क्योंकि सिकंदरा में आप लोगों ने सीधा कहा था जो दुकानें नहीं खुलेंगी उन लोगों दुकानदारों की दुकानें सील कर दी जाएगी। ऐसे में सर लोगों को लग रहा है कि दुकान, क्योंकि सर दुकान जो दवा की दुकानें हैं वो निश्चित रूप से वो सर एकदम आवश्यक सेवा में, उस दुकान को निश्चित रूप से खुलनी चाहिए। इस वजह से ही इस कोरोना काल में दवा दुकानदारों को अन्य दुकानदारों से अलग रखा गया। बिल्कुल, उनको खोलना है ताकि स्वास्थ्य सेवा मुहैया हो सके। जी जी, ऐसे में अगर ये बंद करते हैं तो ये बड़ा खेदजनक है। जी, सेवा में टूट एक तरह से मानी जाएगी सर, इन लोगों के खिलाफ तो अब तक कार्रवाई आप लोगों ने कहा भी नहीं करेंगे। ठीक है, दर्शकों लगातार देख रहे हैं औषधि निरीक्षक, तमाम जो मेडिकल टीम है झाझा के, जम्मू के, जिले के तमाम दुकानों की जांच कर रहे हैं, इसलिए ताकि कोरोना संबंधित तमाम दवाइयां अवेलेबल हैं या नहीं। साथ ही साथ आपने देखा होगा लगातार सीनियर डिप्टी कलेक्टर मैडम भी लगातार दुकानों का ये आके देख रही थी। सर क्या क्या हो रहा है सर आज? बस वही दवा की उपलब्धता। जी जी जी, ये जांच चल रही है। जी जी, और यदि कुछ कमी है तो उसका निर्देश दिया जा रहा ताकि दुकानदार अनुपालन करें। जी जी जी, और सर बिल के बारे में आपने पिछले बार भी अपील की थी कि नहीं ग्राहक को बिल लेना चाहिए, सर कुछ तब्दीली देखने को मिल रही है? ये कुछ पॉजिटिव चीज़ है, जैसे यहाँ पर हम हैं, देखिए आज के डेट में 25/5 के डेट में ये काटे हुए हैं। जी 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 जी, है ना, इसलिए उसमें सुधार आया है। जी जी, दुकानदार बिल काट रहे हैं ये पता नहीं कि ग्राहक कितना ले रहे हैं। जी जी, लेकिन दुकानदारों के पास बिल है और तो निर्गत किया जा रहा है। ग्राहक को एक बार अपील कर दीजिए सर। नहीं नहीं, बिल्कुल, हम तो बार बार कह रहे हैं कि ग्राहक बिना बिल के दवा नहीं खरीदें। ये बिल ही उन दवा के गुणवत्ता का प्रमाण है। जो बिल पे दवा मिलेगी ये निश्चित तौर पे गुणवत्तापूर्ण ही होगी, इसलिए ये दवा व्यवसायी से बिल लेना ग्राहक ना भूलें। और जो दवा दुकानदार बिल नहीं देते हैं उसकी शिकायत औषधि निरीक्षक कार्यालय में करें, उस पर नियमानुकूल आगे की कार्रवाई होगी। सर क्या वजह है औषधि निरीक्षण की टीम जब भी झाझा आ रही है?